दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जहां मनीष सिसोदिया को डिफेंड करने में पूरा जोर लगा रखा है, वहीं पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार कर लिया है। और पंजाब में पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू को गिरफ्तार किया गया है और इसे लेकर सियासत गर्मा गई है। भारत भूषण आशू को सोमवार को पंजाब की विजिलेंस टीम ने उस समय गिरफ्तार किया जब वो एक सैलून में गए हुए थे, बाल कटाने गए थे। भारत भूषण आशू ने सोमवार को ही मोहाली में पंजाब की आम आदमी पार्टी के खिलाफ उस वक्त प्रदर्शन किया था और घोटाले में फंसाने के आरोप लगाते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी गई। शाम होते होते विजिलेंस टीम ने लुधियाना से गिरफ्तार किया और आशू पंजाब में कांग्रेस सरकार के समय फूड सप्लाई मिनिस्टर थे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो सिसोदिया जी के कपड़े उतरे हैं दिल्ली में, सीबीआई और ईडी ने उतारे हैं, वो दोबारा जो कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े गंदे हुए हुए हैं, उस कपड़ों को ड्राई क्लीन कोशिश की है, क्योंकि बीजेपी को तो हाथ लगा नहीं सकते। बीजेपी तो भाई ये जब ईडी और सीबीआई आती है तो ये डर लगता है, तो यहाँ कांग्रेस पे विजिलेंस यूज की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।